What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. तो guys, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में मैंने बोला था कि आज मैं 3 विदर को इकट्ठे मारने वाला हूं, वो भी 1 मिनट के अंदर. बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 3 विदर को बनाने के लिए पहले मुझे टोटल 9 विदर स्कल चाहिए, जिसको कलेक्ट करने के लिए मैं फोर्ट्रेस में गया और वहां पर जाकर मैंने अपना 1.5 घंटा लगाकर सिर्फ और सिर्फ विदर स्केलेटन को मारा. और मैंने कम से कम 1.5 घंटे के अंदर 60 से 70 विदर स्केलेटन्स मार दिए. और उन 60 से 70 विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 विदर स्कल मिले, जिससे एक ही विदर बन पाया. लेकिन उस एक विदर को गाइस मैंने 8 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया. और अभी फिलहाल बारिश भी हो गई है, जिसका मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था. तो आज की वाली जो वीडियो ना गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि बारिश का ही तो मैं इंतजार कर रहा था. बारिश में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ. तो गाइस देखो, आप लोग को पता होगा माइनक्राफ्ट में हम लोग क्रीपर के हेड जो होते हैं, स्केलेटन हेड, जैसे विदर स्केल का हमने हेड नहीं इकट्ठा करा था, कुछ इसी तरीके से हम लोग क्रीपर, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन, इन सब के भी हेड को इकट्ठा कर सकते हैं. अब मुझे मालूम है इसका कोई यूज नहीं होता, बट फिर भी काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में. मतलब एक अचीवमेंट अपना कंप्लीट हो जाएगा. अब यार ये देखो, यहां पर ना इस चीज को आज आज के लिए इग्नोर मार देना, क्योंकि अभी ना अपने कासल में थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है. यहां पर देखो, मैं कुछ बनाना चाह रहा था और अभी ये देखो कुछ कुछ ना डिजाइन में अलग अलग चेंज करते रहता हूं. तो जब इधर के फाइनल हो जाएंगे ना, जब मैं इधर का एकदम बढ़िया तरीके से बना दूंगा, तो सेम टू सेम वही चीज मैं राइट में बना दूंगा. बाकी आप लोगों ने कहा था हां स्टेयर्स बना देना, तो मैंने स्टेयर्स बना दिया. बाकी और जो चेंजेस है वो भी करेंगे. और गाइस आज ना मैं एक बहुत बड़ा सॉर्टिंग सिस्टम बनाने वाला हूं. मींस ये जो अपना कासल आप देख पा रहे हो ना, इसी के नीचे एक इतना ही बड़ा रूम बनने वाला है, जिसके अंदर मैं अपना सॉर्टिंग सिस्टम बनाऊंगा. मींस जैसे भी मैं पता नहीं रहता ना कौन सी चेस्ट में कौन सा सामान है, तो मैं किसी भी चेस्ट के अंदर सामान डाल दूंगा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर इसके अंदर स्वॉर्ड का सामान आना चाहिए तो सिर्फ स्वॉर्ड ही जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगी. बाकी तो फिलहाल वो सब अभी हम लोग करेंगे. मतलब स्वॉर्ड का नहीं हो पाएगा, बट ये जो नॉर्मल आइटम्स होते हैं, एमरल्ड हो गया, आयरन हो गया, स्टोन हो गया, ये सब सेट हो जाएगा, स्वॉर्ड का नहीं पता. और इस चेस्ट के अंदर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये पड़ा नेदर स्टार, जिससे हम लोग अपना दूसरा बीकन बनाएंगे. बट अभी नहीं, अभी फिलहाल बारिश हो रही है, जो काम इंपॉर्टेंट है वो करते हैं. तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा इसका, लेकिन बारिश से क्या लेना देना, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ बारिश के टाइम पर ही हो पाएगा. तो आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले मुझे ना एक ट्राइडेंट मिला था, जो कि बहुत ज्यादा रेयर आइटम होता है. तो ये जो ट्राइडेंट है ना, इसके अंदर मेंडिंग लगा हुआ है, और मैं इसे इसलिए नहीं यूज करता था, मुझे लगता था इसकी एचपी बहुत कम है, ये टूट ना जाए, इंपॉर्टेंट आइटम है, इसे बाद में यूज करेंगे. मतलब ऐसा मैंने कभी करा ही नहीं, बट अभी मेरे को पता चल चुका है कि जिस चीज में मेंडिंग लगा होता है वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती है. हमें बस एक्सपी कलेक्ट करनी है, इसकी हेल्थ फुल हो जाएगी. तो अभी ना गाइस देखो, इसके अंदर अगर मैं चैनलिंग लगा दूंगा, चैनलिंग करके एक एन्चेंटमेंट बुक होती है, जो कि मेरे को भी कुछ दिन पहले मिली थी, उसी से मेरे को एक काम याद आया. तो फटाफट से इस बुक को उठाते हैं. अगर इसके अंदर मैंने चैनलिंग लगा दिया, तो मैं जिस भी बंदे के ऊपर ही फेंक के मारूंगा ना, उसके ऊपर थंडरस्टॉर्म के टाइम पे बिजली गिर जाएगी. अगर मैं ये काम क्रीपर के साथ करूंगा ना, तो उसके ऊपर भी गिरेगी और वो क्रीपर से चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है. फिर अगर हम लोग उसके बगल में एक रियल क्रीपर फोड़ देंगे ना, अगर वो क्रीपर फूटेगा तो फिर उसका हेड जो है वो टूट के हमारे पास आ जाएगा. समझ लो उसका जो फेस है वो एक ब्लॉक बन के हमारे पास आ जाएगा. काफी ज्यादा मस्ती चीज है. तो हाँ, हमें लॉयलिटी चाहिए. लॉयलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता क्या होगा लॉयलिटी से, जैसे हम ट्राइडेंट को फेंकेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपने पास वापस आ जाएगा, जैसे कि हम लोग इसके लिए मैग्नेट बन जाएंगे. ठीक है, अभी फिलहाल ये मैं रखता हूँ, ये लगी और ये रख दी लॉयलिटी. ठीक है, अभी फिलहाल इसके एचपी कम है, बट फिर भी एक बार ही तो ट्राई कर ही सकता हूँ. जैसे गया और ये अपने पास वापस आ गया, बट अभी मेरे को इसे यूज नहीं करना, एचपी कम हो जाएगी. फिलहाल कुछ मॉब्स को मार के मैक्स, नहीं नहीं एक सेकंड, मेरे पास एक मस्त चीज़ है यार, रुक जाओ, इसको तो बाद में कलेक्ट करेंगे. ये चीज़ ना पहले मेरे को पता नहीं थी क्या है, बट अरे 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 भाई भाई, स्माइट 5 लगा यार, ऐसे तो मत करो. हाँ, ये बोटल ऑफ एन्चेंटमेंट है गाइस मेरे पास, इसको यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा एक्सपी बढ़ेगी, ये भी रिपेयर हो जाएगा. हो जा, हो नहीं रहा यार रिपेयर. हेलो, रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है? हल्की सी एक्सपी मिल रही है क्या इससे? यार ज़्यादा रिपेयर नहीं हुआ मेरे को लग रहा है, मुझे अपने फार्म पे जाना पड़ेगा. बट यार तब तक तो बारिश रुक जाए, वैसे बारिश तो होती रहती है. एक काम करते हैं गाइस, जल्दी से ना अभी हम लोग वो रकरी पर, तो मैं एक बार ही ना आपको ट्राई करके दिखाता हूँ. वैसे मुझे खुद ट्राई करना है, मुझे भी नहीं आता भाई, मैं पहली बार करने जा रहा हूँ. जैसे मान लो ये क्रीपर है, मुझे इसे अबे रुक जाओ तुम, और इसे चार्ज क्रीपर बनाना है. ओ भाई, ये बिजली गिरी और ये देखो अपना अचीवमेंट कंप्लीट हो गया. वो जो क्रीपर है गाइस देखो, अभी वो चार्ज क्रीपर बन चुका है, उसके अगल बगल कैसे लाइट जल रही है. भाई भाई भाई, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए गाइस हमें. फटाफट से ना स्मोक को पहले मैं मारता हूँ. बारिश वैसे रुक भी जाएगी, कोई टेंशन नहीं, दोबारा हो जाएगी. मेरे वाले वर्ल्ड में बहुत बारिश होती है, वैसे भी आपको पता ही है 24 घंटे बारिश होती रहती है.
चलो कोई नहीं, वैसे ऐसा वर्ल्ड का कुछ सीन नहीं होता, बट मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मेरा वर्ल्ड है ना इसमें बहुत ज्यादा ही बारिश होती है। फिलहाल ये दोनों एन्चेंटमेंट मैंने लगा लिया है, मुझे ना कहीं सभी एक ट्रैप बनाना है, मॉब ट्रैप बनाना है। मुझे नहीं पता वो मतलब ढंग से काम करेगा नहीं करेगा। और गाइस मॉब ट्रैप बनाने के लिए मुझे कुछ पिस्टन चाहिए और थोड़ा सा आयरन चाहिए। तो मेरे को याद है मैंने कहां पर पिस्टन देखे थे लास्ट टाइम, मेरी उधर एक चेस्ट है जिसके अंदर ढेर सारे पिस्टन मैंने बना के रखे हुए हैं। मैं कोई फार्म बना रहा था, मतलब फार्म मैंने तोड़ा था तो उसमें से निकल कर आए थे। फिलहाल ये वाले पिस्टन में कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेरे को आयरन चाहिए होगा यार, आयरन मेरे को लेने जाना पड़ेगा क्या फार्म पे? मेरा मन नहीं है अभी फार्म पे जाने का। हाँ यहाँ पर पड़ा हुआ आयरन, तो इतने आयरन में अपना काम हो जाएगा। एक ही अभी ये तो पड़ी, ये बनानी थी हमें हैवी प्रेशर प्लेट, ये ऑलरेडी अपने पास बनी पड़ी है। बट ऐसी हमें दो चाहिए, एक और बनाते हैं फटाफट से। तो लो गाइज अभी यहाँ पर अपने पास दो हैवी प्रेशर प्लेट हो चुकी है, पिस्टन भी अपने पास है, तो लेट्स गो फटाफट से गाइज। अभी हम लोग यहाँ पर एक मॉब ट्रैप बनाते हैं, एक ब्लॉक, हाँ ब्लॉक भी अपने पास है यार। देखो अभी ना मुझे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। चार्ज क्रीपर अपने पास ऑलरेडी है, मुझे एक नॉर्मल क्रीपर चाहिए और अपना काम हो जाएगा। बट गाइज यहाँ पर ना कैट है, कैट से वैसे ये लोग डर डर के भागते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर। यार क्रीपर अभी मत पंगे लो प्लीज़, पहले मेरे को एक ट्रैप बना लेने दो, उसके बाद तुम अपना आते रहना, इससे दूर चलता हूँ गाइस पहले मैं, ठीक है? अबे भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है यार ये तो, मैं सच्ची में वो पता नहीं थी। क्रीपर तो नहीं आ रहा ना, दूसरी जगह बनाते हैं। मुझे पता है यहाँ पर ना देखो ब्लास्ट होगा, मेरी सारी ग्रास खराब होगी, बट कोई नहीं आ रहा, इतना तो रिस्क ले सकते हैं, ग्रास दो मिनट में दोबारा लग जाएगी। तो ये लिए मैंने पिस्टन, ये लिए हैवी प्रेशर प्लेट और लेस्ट। अबे इसकी भैंस की बारिश ही बंद हो गई यार, शिट, यही तो मैं नहीं चाहता, बट कोई नहीं कल दोबारा हो जाएगी, डेली होती है भाई अपने यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो गाइस ये एक मॉब ट्रैप है, इसके अंदर जो भी मॉब आएगा ना वो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। देखो इसे फंसा के दिखाऊं, जैसे मान लो ये आ रहा है अभी तो ये जंप करके बाहर आ जाएगा, एक और चीज़ लगानी पड़ती है। जैसे फंस गया अभी जंप करके आ जाएगा, मुझे मालूम है, बट एक और चीज़ मैं लगाऊंगा ना तो ये फंस जाएगा। चल भाई निकल, ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक ऐसे ब्लॉक लगाना है, कूद के एक और ब्लॉक यहाँ मेरे को लगाना है, ठीक है? ये लग गया, अभी इसको तोड़ देते हैं। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा ना, अगर मतलब इसके ऊपर अगर अभी कोई भी खड़ा होगा ना तो वो फंस जाएगा। तो मुझे क्रीपर को यहाँ लाना है, ये चार्ज वाले को फंसा देना है, फिर सेम टू सेम इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर एक और बना देना है, फिर इधर दूसरा क्रीपर फंसाना है और ब्लास्ट करवा देना है यहाँ पर, और फिर जो मतलब जो दूसरा क्रीपर मरेगा उसका हेड हमें मिल जाएगा। तो पता नहीं यार आप लोग के लिए शायद से नॉर्मल सी बात होगी, बट मेरे लिए भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सेम टू सेम वैसा ही ट्रैप मैंने उसके बगल वाली साइड पर लगा दिया है। अब जल्दी से गाइस हम लोग इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तू निकल जा बेटा, तेरे को अभी तो मैं बिजली भी नहीं करवा पाऊंगा भाई किसी के ऊपर, जब तक हम लोग इसको रिपेयर कर लेते हैं, ट्राइडेंट को रिपेयर हो जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा। फटाफट से गाइस जितने मॉब्स है सबको मारता हूं, ये रिपेयर हो जाएगा। मेंडिंग अपनी एकदम ओपी है भाई, ओपी। ओ तेरी ऐसी की तैसी, भाग यहां से। ओ भाई स्माइट अच्छी है भाई, एक ही अटैक में जा रही है। बाकी हाँ गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पोटैटो फार्म बनाया है, और ये छोटे ज़ॉम्बी भाग यहाँ से, पूरी पूरी लेदर की शील्ड पहन के। अबे तेरे साइज के कपड़े कब से मिलने लगे इसके साइड? अबे भाई ये क्या है? हेलो नहीं यार, अबे ये क्या हो रहा है? ये स्पॉनर स्पॉनर है क्या भाई इधर? अबे कुछ भी हो जा रहा है भाई, कुछ भी हो जा रहा है मेरे साथ। उस दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई, इतने सारे क्रीपर आके मार गए, और अभी ये देखो। चलो कोई नहीं, एक्सपी कलेक्ट करते हैं। इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ भाई, नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नहीं मार देंगे ऊपर आके मेरे को थोड़ा सा। कोई नहीं, अभी तो मैं ही इनका मुंह तोड़ता हूँ भाई। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? अच्छा ये थंडर में ज़्यादा स्पॉन होते होंगे, ऐसा होता होगा, पता नहीं भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इतने दिनों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, ये चीज़ पहली बार देखी है मैंने। ओके अच्छी बात है, रिपेयर देखो गाइस, ट्राइडेंट की एचपी फुल होने वाली है, इसको यूज़ करेगा, रुक जाओ। अरे नहीं बो नहीं बो नहीं, ये ऐसे नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हैं। अरे तेरी बॉय बॉय बॉय, गंदा डैमेज है, और थंडर में मारो ना तो बिजली गिरती है। हेलो मिला नहीं क्या वापस? अच्छा मेरी इन्वेंट्री में आएगा वो, ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा। अभी फिलहाल गाइस जल्दी से ना हम लोग एक काम करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं, यहाँ पर हम लोग दोबारा आएंगे। अभी फिलहाल ना सॉर्टिंग सिस्टम बनाने चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग ना जल्दी से अपना बाकी काम करने चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं एक बढ़िया सा सॉर्टिंग सिस्टम बनाने वाला हूँ, मीन्स एक स्टोरेज रूम बनेगा, और ये मैंने अपना थोड़े दिनों के लिए अपना पर्सनल रूम बना लिया है, और वो जो स्टोरेज रूम है गाइस उसकी एंट्रेंस में इधर से देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग पिकेक्स मारते हैं थोड़ी सी, और जल्दी से उस साइड पर पहले ना हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है? इधर मैं पानी डाल देता हूँ फटाफट से, ये जगह मेरे को भी खोलनी है। इस जगह को गाइस अभी ना मैं पूरा को पूरा तोड़ने वाला हूँ, अपने कासल के नीचे ही मैं उसे बनाऊंगा। लाओ भाई पानी वापस लाओ, ठीक है लेट्स गो। भाई ये तो अलग ही हिसाब हो रखा है, यहाँ बढ़िया मस्त रूम बन जाएगा। फटाफट से गाइस इसे तोड़ते हैं, हेस्ट लगी हुई है, दो मिनट में टूटेगा, सब देखते जाओ बस। तो गाइस यार देखो मुझे ना अपने साथ शल्कर बॉक्स लेकर आना चाहिए था, फिर ये जितना भी कॉबल स्टोन इकट्ठा हो रहा है ना मैं सारा का सारा एक ही बार में उसके अंदर डाल देता। बाकी यार देखो इसे भी तोड़ना तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट लगाने में ऐसी तैसी होने वाली है, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई। सेकंड्स में लग, सेकंड में नहीं लग रहा भाई, सेकंड एक सेकंड में कम से कम
गुप्ता से स्टोन टूट रहा है। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि आखिरकार मुझे कितना बड़ा स्टोरेज रूम बनाना है। तो ये वाला ब्लॉक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि मुझे अंदाजा रहे कि हाँ भाई मुझे कितना यहाँ पर तोड़ना है और क्या कॉर्नर्स रहेंगे। तो फटाफट से ना अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम उस साइड पर भी तोड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे का बनाएंगे। अब लेकिन बारिश होते मैं सीधा बाहर जाने वाला हूँ, तो अपना जो वो बॉक्स है मतलब जो स्टोरेज रूम है वो कुछ इस टाइप का बनने वाला है, इसको भी मैं तोड़ता हूँ। फटाफट से हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ में चलते हैं और इधर भी गाइस मैं ये वाला जो ब्लॉक है इसको लगा देता हूँ कि मेरे को हाँ अंदाजा रहेगा कि हाँ भाई ये सारे कॉर्नर्स हैं। अभी फटाफट से उस साइड पर भी हम लोग तोड़ते हैं। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मुझे इस साइड पर डिग करना है और अभी मेरे को बिल्कुल अंदाजा हो चुका है कि मुझे कितनी माइनिंग करनी है। तो एक कॉर्नर अपना ये है, यहाँ पर मैं एक स्टोन ब्रिक्स ना एकदम तरीके से लगा देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद रहे कि कौन से एकदम कॉर्नर है परफेक्ट वाले। तो ये एकदम अपना परफेक्ट कॉर्नर है, अब इसको मैं एकदम परफेक्ट तरीके से वहाँ तक तोड़ देता हूँ। भाई मैं देखो मेरा क्या है, मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ ना एकदम मतलब परफेक्ट होनी चाहिए, एक भी ब्लॉक का गैप नहीं होना चाहिए, मेरा भाई मानना ये है। अब सेम टू सेम इस तरीके से यहाँ भी स्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं और उसके आगे का तोड़ते हैं, फिर उसके बाद अंदर उसके जितने भी ब्लॉक्स आएंगे ना भाई सभी को मैं खोखला करने वाला हूं भाई गंदी तरह। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैंने कॉर्नर कॉर्नर के जो ब्लॉक्स हैं वो तोड़ दिए हैं, अब बस मुझे ना अंदाजा हो जाएगा कि मुझे इसके बाहर के ब्लॉक नहीं तोड़ने। अब जितनी भी ये बाउंड्री है ना इसके अंदर के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे तोड़ने हैं और यहां पर मुझे अभी लाके लगाने हैं स्टोन ब्रिक्स, जिसको कि मतलब स्टोन ब्रिक्स मैं ऐसे लगा रहा हूं ताकि थोड़ी बहुत अच्छी लुक आए और लगे कि हां कुछ एकदम बढ़िया चीज बनने वाली है। फिलहाल पहले यार इन सबको हटाते हैं और अपनी एक बार नेदरराइट पिकेक्स की हेल्थ देखो इतनी कम इसलिए हो गई, मैं ऐसे यूं तोड़ता चला गया था और अभी ज्यादा हरकत करूंगा भाई ये पूरी टूट जाएगी, इसके अंदर अनब्रेकिंग नहीं लगा है। तो फटाफट से ना गाइस आयरन वाली बनाकर लाते हैं और ये सारा तोड़ते हैं। इसके अंदर हेस्ट लगा हुआ है ना अपना जो मतलब कि बीकन है उससे हेस्ट की पावर आ रही है, तो बहुत ज्यादा तेज तोड़ रहे हैं, मेरा ध्यान सही टाइम पर चला गया और अभी मैं एक एक करके तोड़ रहा हूं। इसको पूरा नहीं खत्म करेंगे, मेंडिंग है बाद में रिपेयर कर लेंगे। अभी फिलहाल ना गाइस जल्दी से हम लोग पहले यहां से ऊपर चलते हैं और पानी मैं कहां डाल रहा हूं भाई। ओके लेट्स गो कहीं और। ओ भाई भाई ये जगह एकदम परफेक्ट है भाई ऊपर जाने के लिए, यहाँ पानी डालो फिर यहाँ पानी डालो और अब पानी आएगा। लेट्स गो गाइस अब चलते हैं ऊपर। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से चलकर हम लोग आयरन पिकेक्स क्राफ्ट कर लेते हैं काफी सारी, मतलब कि मेरे को इस टाइम पर 4-5 की तो जरूरत है ही। बाकी यहाँ पर जितना भी कॉबल स्टोन मिला है ना सारा का सारा मैं इसके अंदर रखवाने वाला हूँ, बाद में बहुत काम आएगा। और हाँ यार अभी ना मेरे को स्टोन ब्रिक्स मेरे पास बहुत सारे वैसे पड़े हैं, बट यार मेरे को अभी बनाकर लाने पड़ेंगे क्योंकि जो बचे कुचे थे वो भी मैंने कहीं ना कहीं यूज कर दिए अपने कासल में। अभी फिलहाल ये रहा यहाँ पर अभी मैं रखने 2 पिकेक्स 3 बना लेते हैं भाई सीधा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है तो चलो यहाँ पर अभी 3-3 बना लो, कहीं ना कहीं तो काम आएगी, इसको भी ले लो। चलो 3-3 पिकेक्स हो चुकी है गाइस लेट्स गो। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं दोबारा से नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर ये ज़ॉम्बी कॉबलस्टोन चुराता है चोर, तो अभी मैंने इसको बहुत गंदे वाला मारा है, मेरा कॉबलस्टोन लेकर भाग रहा था और भाई एक सेकंड ये नेदरराइट और आयरन में तो कुछ ज्यादा ही फर्क सा मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई कितनी ज्यादा स्लो चल रही है भाई। इससे बढ़िया तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को 2 मिनट लगेगा, मेरे पास एक विलेजर है जो कि मेरे को एफिशिएंसी दे रहा है भाई, उससे एफिशिएंसी लगवा कर आ जाऊंगा। मेरे पास एक्सपी की तो कमी है नहीं और बुक्स भी इजीली बन जाती है। हाँ यार लेकिन एमरल्ड्स की कमी है भाई, फ्री में थोड़ी देगा, मेरे पास एमरल्ड्स अभी नहीं है भाई सच्ची में। बट वैसे अगर देखा जाए तो एमरल्ड्स भी मेरे को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भैया शुगर किन फार्म जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ बहुत ड्रामा लगेगा, इससे बढ़िया से नॉर्मली तोड़ दे। TNT ला के ब्लास्ट ही ब्लास्ट मारूंगा, नहीं यार ऊपर कासल का भी कुछ कुछ सामान टूट के आ जाएगा। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली मैंने अपनी कासल के नीचे एक बड़ा सा हॉल बना दिया है स्टोरेज रूम बनाने के लिए और गाइस अभी ना मैं यहाँ पर काफी सारी चेस्ट रखने वाला हूँ और उन सभी चेस्ट के अंदर सामान तो स्टोर होगा ही और साथ के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऑटोमेटिकली सोर्ट हो जाएगा, मींस एक चेस्ट के अंदर एक ही टाइप का सामान होगा, तो काफी ज्यादा बढ़िया सीन होने वाला है। उसको बनाने के लिए मतलब कुछ अलग अलग चीजें हमें चाहिए जो कि अभी मैं लेने जा रहा हूँ, बट उससे पहले ना गाइस इसको मैं एक फाइनल टच दूंगा, मतलब कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो बिल्कुल एकदम नकली सा लग रहा है। तो स्टोन ब्रिक्स लाते हैं फटाफट से लगाते हैं, बहुत सारे मुझे लगाने पड़ेंगे बट सीधे सीधे लगाने हैं। तो ये जो कॉर्नर्स आप देख पा रहे हो ये मैंने इसलिए लगाए ताकि मेरे को अंदाजा रहे मुझे किधर किधर स्टोन ब्रिक्स लगाने हैं। फटाफट से गाइस ये वाटर बकेट लेते हैं जल्दी से, अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। वैसे मैंने इधर से एक हॉल तो करा है अपने कासल में निकलने का, एक मिनट हाँ ये रहा ये इधर की तरफ में था, मतलब 2-3 जगह करा था उधर वाला मैंने फिल कर दिया। फटाफट से गाइस हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो ये भी मैं बाद में रिपेयर कर दूंगा, मेरे पास टेराकोटा सारे पड़े हुए हैं तो इसको मैं लाकर लगा दूंगा। तो अभी मुझे क्या लेने के लिए मैं पड़ा हूँ, हाँ मेरे को सामान चाहिए काफी सारा, तो अभी हमें गाइस कॉम्पिटेटर चाहिए और ढेर सारी चेस्ट चाहिए, ढेर सारे हॉपर्स चाहिए, मतलब बहुत कुछ चाहिए होगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी चेस्ट है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर बारिश स्टार्ट हो जाए तो फटाफट से अपना जो ट्राइडेंट है गाइस वो वाला भी काम हम लोग कर लेंगे, मेरे को देखना है वो माइनक्राफ्ट का हेड भाई कैसा होने वाला है। कच्चा निशाना भाग यहाँ से भाई, स्माइट 5 से ये है कि भाई मॉब बड़ी जल्दी मरते हैं, कोई मरे ना मरे, वैसे क्रीपर तो मरा नहीं था उस बारी। चलो कोई नहीं, चेस्ट मैंने यहाँ पर साथ ले लिया, मुझे लग रहा था ढेर सारी पड़ी होगी बट ज़्यादा नहीं है, अभी बनानी पड़ेगी। हॉपर्स
सब कुछ बनाना पड़ेगा। चलो यार, तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने ढेर सारा फालतू का सामान इस चेस्ट के अंदर स्टोर करा दिया है। अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग सोने के लिए चलते हैं क्योंकि अभी रात हो रही है। नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं सीधा स्टोन ब्रिक्स इकट्ठा करने के लिए, जिसको हम लोग लगाने वाले हैं अपने नीचे वाले होल में। तो फटाफट से गाइस, अभी हम लोग फिलहाल यहां पर सो जाते हैं और कल हमें अपना सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है, नीचे का रूम बनाना है। और अगर बारिश होगी तो मैं सारे काम छोड़कर चार्ज क्रीपर का हेड लेने के लिए जाने वाला हूं, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ रेडी है। अब बस बारिश का मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, सी हो रही थी और क्रीपर भी चार्ज वाला था अपने पास, बट मुझे पता नहीं वो ट्रिक थंडर में ही काम करती है फिर कभी भी करती है। वो तेरी ऐसे की तैसी हमेशा का हो रखा भाई, देख रहे हो यहां पर। इसको मैंने उस दिन मारा नहीं था, ये वही वाला एंडरमैन है, इधर उधर ही घूमता रहता है। और ये रुक कैसे गया? एक सेकंड, अभी ये गाइस फ्रीज हो गया था ना, मैंने दो बार इस पे अटैक करा था। चलो यार, छोटे मोटे चीजें चलती रहती है। हाँ, तो अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं, अपने पास इलाइट्रा है, इलाइट्रा हम लोग पहन लेते हैं एक मिनट। तो हाँ चलो फटाफट से गाइस अभी निकलते हैं। ये रखा मैंने रॉकेट, अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा अपने स्टोन फार्म पे। बगल में ही है वैसे तो, बट फिर भी इलाइट्रा से जाने का एक अलग मजा है। और गाइस इसका ड्यूपर मेरे को ठीक करना है। और ये आयरन फार्म से आयरन गोलम नीचे कैसे आ गया? हेलो, बाहर निकलती रही। ओ भाई भाई भाई, मारेगा, गंदा मारेगा, जाओ पहले भागना पड़ेगा। ओ भाग भाग भाग, मर जाऊंगा मैं। ओ तेरी भाई 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 भाई, मुझे लग रहा था वो फैंस पे चढ़ा हुआ उस पार जाके गिर जाएगा। बहुत उछल रहा है तेरी भैंस के रंग, मेरे को मारेगा भाई तू है, मेरे को मारेगा। ट्राइडेंट निकालो, ट्राइडेंट निकालो, उसके ऊपर बिजली गिराएंगे। बेटा बारिश हो रही होती है ना, वैसे तू है भी आयरन, मुंह पे पड़ा भाई गंदा। चल तेरी, मेरे को मारने जा रहा था ना भाई, मार मेरे को भाई भाई। नीचे आके गिर गया फार्म में ना गाइस, ग्लास हटाने पड़ेंगे। मतलब लुक के लिए मैंने ग्लास लगाए थे, बट अटक जाता है ग्लास की वजह से ना ये। फक तेरी, मेरे से पंगा लेगा ना तू, नंगा कर दूंगा तेरी ऐसी की तैसी। एक और खा, रुक जा रुक जा, एक और खा। ओए भाई साहब, क्या रख रख के इसने मेरे मारी है। अगर अभी मेरे पास इस टाइम पर ये नेदरराइट ना होता ना, अभी तक तो मैं मर चुका होता। मैं स्टोन फार्म में आके गिर गया, वैसे स्टोन फार्म की प्रोटेक्शन हो रही थी, बट कोई नहीं, उसने मेरे से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती करी। लेट्स गो, अभी फटाफट फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से ढेर सारा स्टोन कलेक्ट करते हैं। शल्कर बॉक्स में इसीलिए लेकर आया हूँ, इसके अंदर पूरा भर देंगे। तो फटाफट से यहाँ पर से जितना भी सारा मैं कलेक्ट करता हूँ, भाई भाई बहुत ज़्यादा है यार इसमें तो। ओके भरो भाई। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मैं सारा ही इकट्ठा करके लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्टोन ब्रिक्स की जरूरत है। तो यहाँ पर पूरा अपना शल्कर बॉक्स भर चुका है, जल्दी से इसे लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फटाफट से फर्नेस में डालते हैं इसे काम करने के लिए। और यार मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी इस फार्म को चलाने की। इसके अंदर कोल भी सारा खत्म हो चुका है, बट अपनी जो फर्नेस है ना उसके अंदर भरा हुआ है। तो कोल तो नहीं डालूंगा, एक वुड फार्म बना दूंगा, जिससे ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वुड्स आते रहेगा, तो मुझे बार बार ही कोल ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक दिन जाके ढेर सारा कोल की माइनिंग करें एक दिन पूरा बैठ के, और कोल ब्लॉक लाके इनके अंदर डाल लें। सही बता रहा हूं भाई, इस तरीके से तो अपनी एक महीने की छुट्टी हो जाएगी, हमें दोबारा कभी उसके अंदर कोई भी फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो कोई नहीं, फटाफट से हम लोग पहले यहां पर ब्रेड खाते हैं। और अभी स्टोन ब्रिक्स इकट्ठा हुआ है, इन सबको भी उनको कन्वर्ट करना है। और पहले तो यहां पर इसे मेरे को स्मेल्ट तो हो रखा है ना, स्मेल्ट को करना है, स्मेल्ट तो होके ही मिला, मैं बेमतलब फर्नेस बोल रहा हूं। हाँ, तो फटाफट से बस इसे अभी कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से मिला हमें ढेर सारा स्टोन ब्रिक्स, दोबारा से इसे रखते हैं हम लोग। तो भी फटाफट से हम लोग अपने शल्कर बॉक्स को यहां पर रखते हैं, और जितना भी स्टोन ब्रिक्स इसके अंदर है ये भी सारा हम लोग बाहर निकालते हैं। और बाकी जिसको हमने स्टोन ब्रिक्स बना दिया है उसको वो इसके अंदर वापस हम लोग डाल देते हैं। और जल्दी से गाइस अभी हम लोग यहाँ पर और भी ढेर सारा स्टोन ब्रिक्स बनाते हैं, लेट्स गो। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ से मैंने ढेर सारे स्टोन ब्रिक्स बना लिए हैं, और बाकी काफी सारा यहाँ पर अपने शल्कर बॉक्स के अंदर भी है। फटाफट से इसको मैं कलेक्ट करता हूँ और जल्दी से ले जाकर अपने इस वाले रूम में लगाते हैं। और ये बारिश मेरे को लग नहीं रहा गाइस आज होने वाली है, पता नहीं यार क्या ही सीन है। बाकी यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़े बहुत ना हमें विलेजर्स बढ़ाने चाहिए। इतने सारे मैंने टेबल्स तो रख लिए हैं, बट अपने पास अभी तक विलेजर्स नहीं हुए हैं। जल्दी से अभी हमें यहाँ से नीचे चलना है। ठीक है, हम लोग अंदर पानी कलेक्ट करके अंदर होना सीधा। ओ ओ ओ, एक सेकंड, पानी नहीं कलेक्ट हुआ था भाई। ओके, ओ भाई इतने ज्यादा, अच्छा मेरी गेम हार्ड हो रखी है। हाँ मुझे याद है, मैंने गेम अपनी हार्ड करके खेल रहा हूँ, इसीलिए इतने सारे मॉब्स आ रहे हैं। लेकिन यार उस टाइम ना टाउन हॉल के पास तो कुछ ज्यादा ही आए थे। अभी फटाफट से गाइस ये वाले जो ब्लॉक है अभी हमें तोड़ना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है। हेस्ट चल रही है, बट आयरन वाली ना आपको पता ही है कितनी स्लो होती है नेदरराइट से। तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग पहले यहाँ पर बॉर्डर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तो बस हमें ब्लॉक ही ब्लॉक लगाने हैं नीचे की साइड पर, अपना काम जो है होता जाएगा। 3, 2, 1। वैसे गाइस यार एक सेकंड, इस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहा हूँ इन ब्लॉक्स की। फटाफट ना पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये जितने भी स्टोन है ना इसको स्टोन कटर में डाल के ना स्लैब्स बनाकर लाते हैं। मीन्स ये जो स्टोन ब्रिक्स हैं ये फिर सारे डबल हो जाएंगे, क्योंकि आधे आधे पार्ट में कट जाएंगे, और हमें भी तो बेस पे लगाने और टॉप साइड पे लगाने हैं, तो अपने आधे से ज्यादा स्टोन ब्रिक्स तो बच ही जाएंगे ना, तो काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। आई थिंक स्टोन कटर से हो जाते हैं, मैंने कभी करे नहीं है, यहाँ पर डाल के देखते हैं। ओके हाँ, इससे हो जाते हैं। तो फटाफट इसके अंदर डालते हैं, हमें स्लैब्स चाहिए तो मैक्सिमम जितने आ सकते हैं भाई दे दो। ये देखो भाई, ये सही
सही है ना। वैसे गाइस ये जो स्टोन कटर है ना ये ज्यादा बढ़िया आइटम है, हमें क्राफ्टिंग टेबल में बहुत टाइम लगता है पर इसमें कोई भी सीन ही नहीं है। देख रहे हो कितनी जल्दी कितने सारे जो है स्लैब्स यहाँ पर बन गए हैं। अपने पास अभी गाइस 3-4 विलेजर्स हैं बट टेंशन मत करो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की यहाँ पर 30-40 विलेजर कर दूंगा अभी। लेकिन देखो हमें यहाँ पर पहले इसे बढ़िया तरीके से बनाऊंगा, ये पीछे जंगल वंगल में निकल जाते हैं फिर रात में आते हैं ज़ॉम्बी विलेजर बनके, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। इसको एक बार पहले यहाँ का काम कर दें उसके बाद फिर इन विलेजर्स के लिए एक बढ़िया सा हम लोग विलेजर हॉल बनाने वाले हैं। ओके वैसे बन चुका है विलेजर हॉल तो मतलब उनके लिए रूम भी एक बनने वाला। पीछे 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 तो देखो फक तेरी। ओके झुंड आया है पूरा मेरे से लड़ने के लिए, पूरा इलाइट्रा से उड़ के मारूंगा। ये देखो यूं जा रहा हूँ, इस टाइम रुको मैं पहले आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मार रहा हूँ। ये उड़ के गया खट तेरी लगा नहीं। टीपीपी में थोड़ा सा निशाना समझ नहीं आता है क्योंकि एफपी में प्रॉपर दिखता है, इसमें दिखता नहीं है। ओके अभी फिलहाल मैं अपना शील्ड पहनता हूँ, लेट्स गो। फटाफट से गाइस हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्लैब्स हैं इन सभी को भी मुझे यहाँ लगाना है। वैसे मुझे सारे भी कन्वर्ट नहीं करने थे, थोड़ी बहुत तो यार इसकी भी जरूरत है, कहीं ना कहीं ये भी लगने ही वाले हैं। तो 3 पीस मैं ये वाले ले लेता हूँ, बाकी अपने पास स्लैब्स रहेंगे। ओके तो ये जो बेस वाली साइड है ना गाइस यहाँ पर मैं स्लैब्स लगाना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो फटाफट लगाते हैं। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल फुल स्पीड में यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स स्लैब लगा लगा के मैंने ये जो पार्ट है पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अभी फिलहाल बस मेरे को यहाँ पर 2 और लगाने हैं और अपना जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गो, फिलहाल यहाँ पर ये जो बेस है वो बन गया है, साइड साइड की वॉल्स बनानी है। ऊपर का ये जो पार्ट है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे हाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखने में अच्छा भी लग रहा है इसको। चलो अभी आज के लिए रहने देते हैं, बाद में हाँ आप कमेंट करके बताना मुझे ये ऐसे ही रहने देना चाहिए या फिर यहाँ पर भी स्लैब लगाकर इसकी भी लुक थोड़ी चेंज करनी चाहिए। वैसे मेरे को तो ठीक लग रहा है, जैसे कहीं कहीं जगह पर यहाँ थ्रोन है ना इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट मतलब कि इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कैसा करना है, चेंज कर देंगे। बट जो मेन अगर देखा जाए ना ये वाली जो थीम है ये तो काफी सही लग रही है, बट अगर ऊपर से कोई गलती से ब्लॉक तोड़ेगा सीधा नीचे आके गिर जाएगा। चलो कोई नहीं, सही है ऐसा होना भी चाहिए। फटाफट से अभी हम लोग यहाँ पर अब लगाते हैं अपने स्टोन ब्रिक्स, लेट्स गो। जैसे इस तरीके से मैंने इधर लगाया सेम ऊपर से भी अभी इधर लगने वाले हैं, फटाफट से 3, 2, 1 लेट्स गो। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली मैंने अपने कासल का स्टोरेज होल पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बस मुझे यहाँ पर चेस्ट लगानी है और सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है और अपना काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी ना फिलहाल थोड़ा बहुत टाइम लगाकर मैंने इधर ठीक ठाक डेकोरेशन भी कर दिया है। ये ऊपर वाली ब्लॉक है बट मैंने इसे इस तरीके से लगाया कि मस्त लगेंगे और यहाँ पर भी साइड साइड में सिस्का एलईडी लाकर लगा दिया है, काफी सही लग रहा है। थोड़ा बहुत और टाइम लगाऊंगा तो मैं इसे और भी ज्यादा मस्त कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ जितनी देर रुक जाऊंगा ना मेरे दिमाग में एक के बाद एक आइडिया आते रहेंगे, जैसे भी ये आइडिया आ गया अगर मैं इसको यूं कर दूंगा तो ठीक लगेगा काफी ज्यादा, मतलब एक से बढ़कर एक चीज आते रहती है दिमाग में। बट अभी फिलहाल इसको हटाते हैं। और हाँ एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया गाइस, वो सारा का सारा सामान मैं इकट्ठा कर चुका हूँ जो कि हमें मतलब कि सॉर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए चाहिए होगा, तो मैंने सोचा कि यार बाद में क्या ही इकट्ठा करके दिखाऊँ टाइम बर्बाद होगा। सिंपल सा आइटम है, आइटम फ्रेम चाहिए, कुछ हॉपर्स चाहिए, रेड स्टोन चाहिए और हमें थोड़ा सा रेड स्टोन टॉर्च चाहिए, चेस्ट चाहिए और साथ ही हमें कॉम्परेटर चाहिए और हमें कुछ रिपीटर चाहिए। मतलब इसकी ना कोई लिमिट नहीं है, हमें जितना बड़ा सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है उतना ही ज्यादा ये सामान चाहिए होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ना 6 आइटम का सॉर्टिंग सिस्टम बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 6 के लिए जितना सामान चाहिए था वो चाहिए होगा। बाकी यहाँ एक ही तरीका है, वो एक ही तरीके से बनते जाएगा। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, पीछे की तरफ में बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाने हैं। तो अभी फिलहाल मैं स्टोन ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर मैंने 7 स्टोन ब्रिक्स लगा दिया है। अभी गाइस ये देखो ये ना थोड़े से हवा में होंगे, बिकॉज आपको पता है जमीन में मैंने स्लैब लगाया, तो पहले ना इनको बराबर कर देते हैं। आप एकदम प्लेन सर्फेस पे बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस साइड भी हम लोग स्लैब लगा देते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अब ये जो स्लैब लगे हैं गाइस इसके ऊपर हमें लगाना है कॉम्परेटर इस साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वैसे टोटल 6 लगने थे। एक काम करता हूँ ये वाला जो तोड़ के मैं इसको इस साइड पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी इतना काम अपना हो चुका है, अब सेम टू सेम जैसे मैंने उधर ब्रिक्स लगाया सेम टू सेम मेरे को इधर की साइड भी लगाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी गाइस मेरे को ना हर बारी नीचे स्लैब भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता ही है जगह ऊपर है, बट हमें इतने स्लैब्स की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया प्लेन सर्फेस पर बनाओगे तो बात एकदम बराबर पड़नी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है रेड स्टोन, ये थोड़ा ना लुक लुक के चक्कर में काम गड़बड़ जाता है। बाकी शलकर भाई साहब आप यहाँ से हटो, अभी इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। इधर गाइस हमें रेड स्टोन टॉर्च लगानी है, फिर इस जगह को अभी हमें ऊपर से कवर कर देना है। अपना इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ऊपर से कवर करने के लिए भी मैं स्टोन ब्रिक्स यूज करने वाला हूँ। तो फटाफट से 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे 6 की जरूरत है बट मैं 7, 7 यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो अपना इतना काम हो चुका है, अब इसके बाद हमें 2 ब्लॉक का गैप देखिए यहाँ चेस्ट रखनी है। तो फटाफट से मैं जितनी चेस्ट बनाकर लाया था वो सारी उठाता हूँ और 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक अब फटाफट से यहाँ रखते हैं हम लोग चेस्ट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब सेम टू सेम गाइस हमें इसके ऊपर भी रखनी है, बट पहले ना इसको मैं डबल चेस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये जितनी भी चेस्ट है इन सभी को मैं डबल चेस्ट बना लेना है।
तो ये डबल चेस्ट बन गई। अभी फटाफट से हम लोग ना पहले यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं, और जैसे हमने नीचे रखा है सेम टू सेम वैसे हम लोग इधर भी रख देते हैं। चलो अपना इतना काम भी गाइस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर एक चेस्ट अपनी हो रहेगी। लेट्स गो गाइस, जितनी चेस्ट मैं बनाकर लाया था सारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हमें बैक साइड पर जाना है, और शायद से गाइस मैंने ना एक ब्लॉक का ज़्यादा गैप दे दिया, नहीं नहीं मेरे को पता नहीं चला दिया या फिर नहीं दिया, बट देखने में लग रहा है कि हाँ भाई शायद से। अभी हॉपर लगा के पता चल जाएगा, तो हमें हॉपर यहाँ लगाना है और यहाँ हॉपर नहीं लग पाएगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी ऊपर है गाइस हमें ना चेस्ट में लगा देने हैं, और सेम टू सेम ऐसे ऊपर करना है, ऊपर वाली चेस्ट में भी हमें हॉपर्स को कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब गाइस सारे हॉपर्स लगने के बाद हमें इधर दोबारा से स्टोन ब्रिक्स रखना है, स्टार्ट करना है, ताकि ये जो नीचे वाली रेड स्टोन है ये हाइड हो जाए। बट हम लोग इसको इस चीज के लिए नहीं रख रहे हैं, इसको किसी और रीजन के लिए रखा गया है। जब इतना काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ ना गाइस इस टाइप का दिखने वाला है। तो अब हमें पीछे की तरफ में जो रेड स्टोन डस्ट है ना, इसको लगाना है यहाँ पर, ताकि ये सारा ना कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाए। और ऊपर की तरफ में भी गाइस अभी हमें रिपीटर्स रखने हैं। तो फिर एक सेकंड यार, पहले तो मैं शल्कर बॉक्स नीचे रखूं, क्योंकि इसके अंदर से भी मेरे को स्टोन ब्रिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां से मैं 64 ले लेता हूं। वैसे गाइस अभी ना फिलहाल मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, नीचे की तरफ में हमें ना कॉम्परेटर्स नहीं रिपीटर्स रखने थे। तो कोई नहीं, दो मिनट का काम है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां से जितने कॉम्परेटर्स हैं इनको भी हटाते हैं, और यहां पर गाइस अभी हमें रखना है नीचे की तरफ में रिपीटर रखना है, ऊपर कॉम्परेटर्स रखने। तो 1 2 3 4 5 6 इसको रख दिया। अब ये जितने भी यहां पर इसको ढक देते हैं, ठीक है, मतलब इसे कवर कर देते हैं ऊपर से। तो पहले यहां पर हमें ब्रेक लगाना है, सारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। लेट्स गो, इतना काम हो चुका है। अब हमें रेडस्टोन डस्ट लेनी है, और ऊपर रखने थे हमें कॉम्परेटर्स। तो ये जो टूट के वहां से निकले हैं इसको हम लोग ऊपर ले आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लेट्स गो, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब जितना भी रेडस्टोन डस्ट है ना गाइस हमें वो इधर सारा बिछाना है इस तरीके से। तो मतलब पूरे में भी हमें इसे फैला देना अच्छे से। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने पूरे में एकदम अच्छे से रेडस्टोन डस्ट भी लगा दिया है। अब हमें आगे क्या करना है, ये जो हॉपर्स है ना इन्हें लगाना है, मतलब ये जितने भी हॉपर्स हैं सारे लगने वाले हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो रिपीटर है, हमें अपना एम यहां पर करके इसे प्लेस करना है, ताकि इसका जो फेस है वो रिपीटर की साइड पर, मतलब रिपीटर नहीं कॉम्परेटर की साइड पर जाए। तो इसी तरीके से हमें पूरा लेफ्ट तक लगाना है 6 के 6। अब इतना लगने के बाद हमें इसके ऊपर दोबारा से इन्हें लगाना है। और भाई सच्ची में अगर एक हाइट कम होती है ना अभी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा बन जाएगा। बट उससे पहले यहां पर हमें एक काम करना है, इधर एक ब्लॉक लगाना है ऊपर की तरफ में, और जितने भी हॉपर्स हैं उनका फेस हमें इस तरफ रखना है। यहां पर गाइस अपना वो इनपुट बनने वाला है, मींस यहां पर एक चेस्ट हम लोग लाकर रख देंगे जिसके अंदर हम सामान डालेंगे और इसके अंदर वो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपना इतना काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी मतलब सब कुछ ही कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें ना इसे चेक करना है, ठीक है, एक बार मैं। और चेक करने से पहले इसके अंदर हमें एक काम और करना पड़ेगा, एक एनविल की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास आयरन नहीं है, चलो थोड़ा सा आयरन लेकर आते हैं। हमें ना गाइस कुछ नॉर्मल से ब्लॉक को रीनेम करना पड़ेगा, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है, माइनक्राफ्ट का कोई भी आइटम हो सकता है। जैसे कि बस हमें ना उसे रीनेम करना है और उसका एक अलग नाम रख देना है, ठीक है। तो फटाफट से पहले हम लोग ये वाला गेट खोलते हैं, ये वाला भी खोलते हैं। भाई बड़ा रिस्की से एंटर बनाया मैंने, ओ भाई अभी सीधा नीचे जाकर हम लोग मरते भाई, ये बहुत ज्यादा गलत मैंने बनाया, रुक जाओ। वैसे मैं ट्रैप डोर खोल के भी तो जा सकता था, मैं जब मार के जा रहा था। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैं ऊपर आ चुका हूं, फटाफट से वाले ट्रैप डोर खोलते हैं आगे जाने के लिए। हाँ ये रास्ता एकदम परफेक्ट था, इस वाले को भी मैं खोल देता हूं। अभी रास्ता एकदम परफेक्ट बन चुका है, मैं इसको बाद में और अच्छे से बना दूंगा। और यहां पर ना गाइस अभी मैं अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भी लेकर जाने वाला हूं। तो ये जो एनविल है ना गाइस, इसके अंदर हम लोग यहां पर कुछ स्टोन ब्रिक्स डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहां पर 25 नहीं ज्यादा ही डाल दो, कोई कमी थोड़ी, अपने सारे डाल दो। और इन स्टोन ब्रिक्स का हमें टेस्ट रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, या फिर नहीं टेस्ट ही ठीक रहेगा। तो अभी जो जितने भी स्टोन ब्रिक्स हैं इनका नाम है स्टोन ब्रिक्स हट के टेस्ट हो चुका है। अभी फटाफट से गाइस हमें इन्हें लेकर चलना है नीचे, और इसको अभी हमें डालना है उस वाली चीज में। बट उससे पहले यहाँ से ना काफी सारा सामान हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। जैसे कि बेसॉल्ट मैंने किस तरीके से रखा हुआ है, ढेर सारा, ये सारा लेकर चलते हैं। इससे ना गाइस हम लोग टेस्ट करेंगे कि अपना जो सॉर्टर है वो एकदम सही तरीके से काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से मैं काफी सारा कॉबल स्टोन ले लेता हूँ, मतलब कुछ भी रैंडम आइटम ले लेते हैं जो अभी अपने पास लार्ज अमाउंट में पड़ा हुआ। जैसे मैं डर्ट ले लेता हूँ, और अपने पास क्या क्या है, और तो फिलहाल कुछ भी खास नहीं है, बट थोड़े दिनों में आ जाएगा, मतलब इतना भी ज्यादा भरा हुआ आइटम नहीं है। हाँ शुगर केन वगैरह लेकर आते हैं, तो मैंने 6 का बनाया, तो मैं 6 डिफरेंट आइटम ले लेता हूं, फिर से चल के टेस्ट करते हैं। बाकी ये बारिश आज नहीं होने वाली भाई, मुझे क्रीपर हेड चाहिए कुछ भी करके। तेरी निकल यहां से। हाँ रोटन फ्लैश अपने पास ढेर सारा पड़ा हुआ है ना एंटर चेस्ट में, रोटन फ्लैश लेकर चलते हैं। और बाकी तो कुछ खास है नहीं, रोटन फ्लैश यहाँ से उठा लेता हूँ, वहाँ दूसरी चेस्ट में भी रोटन फ्लैश है। तो ये अपने पास अभी कोई मतलब कि 7 आइटम हो चुके हैं। हम लोग ना गाइस इतना बड़ा सॉर्टर सिस्टम बनाएंगे ना, बहुत सारी टाइप की चेस्ट रख देंगे। अभी फिलहाल ये उठा लेता हूँ, हाँ ग्लास उठा लेते हैं। हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतने बढ़िया तरीके से टेस्ट होगा ना। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपने साथ ढेर सारा एक्स्ट्रा आइटम ले लिया है। अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा नीचे, और मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चेस्ट भी यहाँ पर ले लिया है, बिकॉज अभी इनकी ज़रूरत है। फटाफट से चलकर हम लोग इनको लगाते हैं। सबसे पहले तो ये जो दो हॉपर्स है ना, इसे मुझे पीछे की
तरफ में लगाना पड़ेगा। और गाइस ये जो ऊपर वाला एक स्टोन ब्रिक है ना, मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, या तो मुझे इसको थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, बट अभी कोई नहीं यार, जैसा बन गया बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसे बाद में देख लेंगे किस तरीके से ठीक करना है। फिलहाल के लिए वाला जो ब्लॉक है मैं इसे तोड़कर यहाँ चेस्ट रख देता हूँ। और यार ये चेस्ट खुलने भी नहीं वाली भाई, मुझे ना इसे भाई बहुत सही तरीके से बनाना चाहिए था, मतलब एक बार ना मेरे को मेजरमेंट कर लेना चाहिए था कि ये जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ इसकी हाइट कितनी जाने वाली है। बट कोई नहीं, फिलहाल ऊपर का हम लोग एक ब्लॉक तोड़ते हैं, बाद में मैं उसे देखूंगा उसका क्या जुगाड़ करना है। तो हाँ गाइस, इस चेस्ट के अंदर हम लोग जितना भी सामान डालेंगे ना, वो सारा फिल्टर होकर इन अलग अलग चेस्ट में आएगा ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। बट उससे पहले ना हमें एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, जो जितने भी आइटम फ्रेम है ना यहाँ पर मैंने लगा देता हूँ। तो एक मिनट रुक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने 6 आइटम फ्रेम लगा दिया, वैसे इनसे कुछ हो नहीं रहा, ये मैं आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ। आइटम फ्रेम लगाए बिना भी अपना काम हो जाएगा, तो पहले तो टॉर्च हटाऊँ। जैसे कि मान लो गाइस, अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चेस्ट है इसके अंदर सिर्फ स्टोन ब्रिक्स आए, तो मैं ये फोटो के लिए मतलब कि दिखा, एक मिनट यार, ये वाला स्टोन ब्रिक तो टेस्ट वाला है, दूसरा लगाते हैं। हाँ ये तो अभी मैं वैसे दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, इसके अंदर मैं चाहता हूँ स्टोन ब्रिक्स आए, यहाँ स्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं। वैसे गाइस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात का काम है, ये ना भी करो तो भी चल जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बेसॉल्ट लगा देता हूँ, जो भी मैं टेस्टिंग के लिए आइटम लगा लाया हूँ ना सारा मैं लगाने वाला हूँ। इधर हम लगा देते हैं ये नेदरैक, उसके बाद मैं इधर लगा देता हूँ डर्ट। ये ऑटोमेटिकली ना देखना भी सारा जो जो मैंने लगाया एकदम ऐसे ही आने वाला है। इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं रॉटन फ्लैश, और लास्ट हमारे पास रह गया है कॉबलस्टोन, ठीक है। तो भी मैंने यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी है ऑटोमेटिकली अलग अलग कर दिया, हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, डायमंड वायमंड किसी भी चीज़ का। अब जो असली यहाँ पर डिफरेंट होगा वो पता कैसे बनने वाला है, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जो हमने करा है। अब जो असली काम है वो ये है, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये अभी मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, पहले हमें ऊपर चलना है। ये जो आप मिड वाले हॉपर्स देख पा रहे हो ना, जिनका फेस कॉम्पेरेटर की तरफ है, उन वाले इन हॉपर्स के अंदर हमें क्या करना है, ये जो हम ये रीनेम करके लाए ना स्टोन ब्रिक्स, कहाँ चले गए, ये रे टेस्ट। तो इन सभी स्टोन ब्रिक्स को गाइस हमें यहाँ पर डालना है इस तरीके से, सिर्फ 4 स्लॉट में। और ये वाले में हमने क्या लगाया था, हमने इधर स्टोन ब्रिक लगाया ना, तो हम लोग इधर अब यहाँ पर मतलब ना हमने स्टोन ब्रिक्स रखने हैं अब काफ़ी सारे, मतलब 41 रखने हैं, क्योंकि आपको पता होगा होपर की मैक्स लिमिट 41 होती है। तो अपना शल्कर बॉक्स, हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ये निकाल लेते हैं और इसके अंदर हमें इसे डालना है, ठीक है। जैसे ये हो जाए, अब इसके अंदर हमें यहाँ पर है 41, वैसे 41 ही जाएंगे, वैसे 64 होती है, मेरे को पता ही नहीं था शायद, हाँ नहीं 41 पे वो रोक सकता है, उसके बाद फेंक देता है, हाँ ऐसा सीन होता है। तो यहाँ पर हमें स्टोन ब्रिक डालना है। ये सारे टेस्ट हैं, ये जितने भी टेस्ट हैं ना गाइस, इनको पहले सब में भर देते हैं, मीन्स जितने भी ऊपर है ना उन सभी के अंदर ये टेस्ट वाले स्टोन जाने वाले हैं। जरूरी नहीं है स्टोन, कारपेट कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन कर रहा है आप वो भी ला के लगा सकते हो। टॉर्च को रीनेम करके ला के लगा दो, बाकी तो यहाँ पर ये अरे यार ये तीन शिट यार, ये एक मेरे पे कम पड़ गया, इसको भी बना के लाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने एक और टेस्ट ब्लॉक इसके अंदर डाल दिया है, अब बस हमें आगे का काम करना है। तो यहाँ पर हमने डालता है स्टोन ब्रिक, दूसरे वाले के अंदर मैंने नीचे सेट कर रखा है बेसॉल्ट, एक बार चेक कर लेता हूँ, बेसॉल्ट है, फिर नेदर रैक है, इसके अंदर हम लोग भर देते हैं नेदर रैक, 41 से ज़्यादा होने चाहिए बस। उसके बाद है रॉटन फ्लैश, ठीक है, तो ये आ गया अपना रॉटन फ्लैश, सही डाला है ना, डर्ट रहेगी इसके अंदर, डर्ट आएगी, ठीक है। डर्ट के बाद क्या है, कॉबलस्टोन, ठीक है गाइस, अभी ये समझ लो अपना काम कंप्लीट हो चुका है। इतना करने के बाद हमें, मेरे को लग नहीं रहा भाई ये काम करेगा, पता नहीं क्यों, एक बारी चेक करते हैं। ये वाली जो चेस्ट है ना, अब बस हमें इसके अंदर सामान डालना है, मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो शेप है ना ये सामने जा रहा है। तो चलो अभी फिलहाल इतना काम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो भी आइटम है हम लोग उसे टेस्ट करने के लिए इस वाली चेस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दी डर्ट, उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया कॉबलस्टोन, जो जो हमने डाला था, डर्ट था, रॉटन फ्लैश था, कॉबलस्टोन था, बेसॉल्ट थे। तो अभी ऑटोमेटिकली ये ना सही चेस्ट में अपने आप ही आने वाले हैं। 2 मिनट खड़े होकर इसे टेस्ट करते हैं। मैंने और क्या डाला था, हाँ स्टोन ब्रिक्स रह गए, नेदर रैक्स ये रख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 आइटम हो चुके हैं। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा पॉलिश बेसॉल्ट थोड़ी थे, तो यहाँ पर हम लोग स्टोन ब्रिक्स डाल देते हैं और बाकी अपने पास जो शल्कर बॉक्स है उसके अंदर और स्टोन ब्रिक्स हैं, इसको भी निकाल के हम लोग ऊपर डालते हैं। चलो गाइस, अपना ये वाला जो काम है कंप्लीट हो चुका है, बस जल्दी से बारिश हो जाए, और मेरे को नहीं बारिश के बाद नहीं, आग जलने की आवाज़ है, मुझे लग रहा था बारिश होने लग गई। टेस्ट करते हैं अभी, तो फिलहाल सारी चेस्ट खाली पड़े, हेलो कुछ आया क्यों नहीं नीचे, ये वाली चेस्ट के अंदर भरा हुआ है, इस वाली चेस्ट से गया इसके अंदर, फिर इसके अंदर क्यों नहीं आया। गाइस, एक छोटी सी गलती होगी, जब मैंने जल्दबाजी में रिपीटर्स लगाए थे ना, तो मैंने रिपीटर्स को उल्टा लगा दिया, जिस वजह से ये अभी भी काम नहीं कर रहा था। तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे पहले इतना सा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिपीटर उल्टे लग गए थे। देखो यार, छोटी मोटी गलती हो जाती है जब कुछ भी नया सीखते हैं। तो चलो गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से हम लोग इसको दोबारा से यहाँ पर लगा देते हैं और जल्दी से हम लोग इसे स्टोन ब्रिक्स से कवर कर देते हैं वापस से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेट्स गो, यहाँ पर 7 वाला भी लगा देते हैं, और जो बाकी यहाँ पर हमारे पास सारी डस्ट है इन सभी को हमें यहाँ पर लगाना है और चेक करना है इसके अंदर लाइट जल रही है। अब देखो, अब इसके अंदर लाइट जली, वही मैं देख रहा था, लाइट ही नहीं जल रही, और अभी ये काम करने लग गए। हाँ ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर क्या आना था, स्टोन ब्रिक्स, तो ऑटोमेटिकली स्टोन ब्रिक्स आ रहा है। इसके अंदर बेसॉल्ट होना चाहिए, बेसॉल्ट है, इसके अंदर नेदर रैक होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, हाँ डर्ट होना चाहिए, इसके अंदर रॉटन फ्लैश होना चाहिए, और इसके अंदर
कॉबलस्टोन होना चाहिए, सब कुछ एकदम ओके है। अब इस चेस्ट के अंदर मैं कुछ भी ला के डाल दूं, जैसे कि मैं इसे जितना बड़ा बनाऊंगा ना गाइस, जैसे मैं पूरा राउंड कर दूंगा, तभी मैंने इतना बड़ा ये एरिया बनाया था, इसको मैं पीछे तक ले जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जगह की अपने पास कमी नहीं है। तो फटाफट से इसे हम लोग बनाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सही होगा ये पूरा, ये जो हॉल है ना, यहाँ चेस्ट ही चेस्ट होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा मस्त बनेगा। हॉल को हाँ पीछे नहीं ले जाएंगे, हॉल ना लेफ्ट की तरफ जाएगा पूरा और राइट की तरफ, क्योंकि ये हॉल ऐसे में फैलने वाला है, आप लोग समझ गए होंगे। वैसे इसको बड़ा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, होपर्स और चेस्ट की जरूरत है, बस ये बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अब मैं इसके अंदर पॉलिश बेसोल्ड डालूंगा तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो अटक जाएगा यहीं पे। अब मैं डाल देता हूँ कॉबलस्टोन, ये चले जाएगा, स्लैब भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो सेट कर दिया ना 41 सब में फिक्स हो जाएगा, ये देखो सब में 41 फिक्स है, वो मैंने बीच में वो गलत लगाया था इसलिए रुक गया था। सब कुछ ओके गाइस, इतना काम हो चुका है, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बस मैं बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। ओबे यार मैं जाऊँगा किसी दिन नीचे, तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता अपने कासल के बाहर आ चुका हूँ, और यार यहाँ तो दिन होने को हो रहा है लेकिन बारिश जो है भाई होने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं यार बारिश कब होगी, मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। बट आज ये जो मैंने बनाया ना इसको तो मैं फुल एकदम यूज करके जाऊँगा, जब तक बारिश नहीं होगी मैं तब तक गेम खेलता ही रहूँगा। अरे भाई 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 पांडा कितनी ज़्यादा हो गई हैं, लाओ तो मैं बैम्बू ही खिला दूँ, जब तक क्या पता इनको बैम्बू खिलाने पे भगवान बारिश कर दे। लॉजिक ही नहीं बन रहा है, बट फिर भी इन्वेंट्री अपनी खाली पड़ी है, इनको खिला देता है। कहाँ आ रहा है पागल है, भाग यहाँ से। ओके सारा बैम्बू कलेक्ट करते हैं, ये लोग खुद ही खाने लग जाते हैं, इनके ऊपर गिरा दो ना इनको वैसे मिल जाता है। भाई बहुत ज़्यादा पांडा हो गए, 2 लेकर आया था, और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई सोने वाले हैं। इतने भी नहीं हो रहे, मजाक कर रहा हूँ, लो भाई खाओ दबा के। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, पांडा का जो घर है ना काफी ज्यादा छोटा हो गया है, इनके लिए नया घर तो बनाएंगे बाद में, बट अभी टेम्परेरी मैं पता क्या करता हूँ, इनके लिए ये वाला जो रास्ता है ना ये खोल देता हूँ, यहाँ हम लोग एक स्लैब लगा देते हैं ताकि ये लोग यहाँ से बाहर ना आ पाए, और जो ये वाला रास्ता है ये मैं खोल देता हूँ ताकि ये लोग यहाँ से ना कूद के अंदर चले जाएं, और इनका घर आज से हो जाएगा। चलो 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 फटाफट से अंदर चलो, तुम यहीं से खाना तोड़ो यहीं खाओ, तुम्हारा आज से यही घर है, लो जगह ही जगह है भाई यहाँ पर, तो कुछ जगह तो ऊपर चल रहा है भाई वो उसके। अबे बाहर निकल जाएंगे ये तो, नहीं नहीं भाई बड़ी मुश्किल से लाऊं, कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे इनको मेरे हिसाब से कोई मॉब तो मारता नहीं होगा, कोई टेंशन की बात भी नहीं है, बेमतलब मैं टेंशन ले रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन लोग के लिए ना बीच में थोड़ा सा स्पेस बना दिया है, और यहाँ पर वाटर ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर मैं वाटर के लिए ना थोड़ी सी और जगह फैला देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई इनके पास एक छोटी सी नदी भी है। ये नदी ऐसी अच्छी लग रही है, मतलब उसको कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिकली रैंडम माइनक्राफ्ट वालों ने बनाकर हमें दियो। मजाक करो, इसको फेंको पहले यहाँ पर, जल्दी से फूड खाता हूँ गाइस, अभी मैं आपको एक बहुत मस्त कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। जितने पांडा गाइस देखना सारे कैसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब इग्नोर मार रहे हैं, तो रुक जाओ, स्वॉर्ड नहीं मारनी, स्वॉर्ड नहीं मारनी, मेरे को वापस मारेंगे। इधर आओ इधर आओ इधर, जल्दी 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 अंदर आओ सारे भाई, इतने ज्यादा पांडा हो गए हैं। तो गाइस देखो बिना फिलहाल इन लोग को भी पता चल चुका है कि यार इसके पास ना अंधा बैम्बू है, तो ये अब लालच में भी नहीं आ रहे। तो बैम्बू ना मैं यहाँ पर रेंडमली कहीं पर भी लगा देता हूँ, वो ज्यादा सही लगेगा। ज्यादा बैम्बू जाता है ना वो थोड़ा गंदा लगता है, इनको कौन सा हमें इतना खिलाना है। सारे पांडा नीचे चले गए, लेकिन ये वाला जो पांडा है नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसको देखो भाई साहब, ये छोटा वाला कैसे पलटियां मार रहा है ऊपर आकर। तो ओके अभी फिलहाल जितने पांडा थे जैसे जैसे करके मैंने सबको नीचे कर दिया, मेरे पास एक्स नहीं है वरना मैं फटाफट से इसे तोड़ के ब्लॉक कर देता। फिलहाल इसे ऐसे रहने देते हैं, मेरे हिसाब से ये ऊपर नहीं आएंगे जहां तक लग रहा है, क्योंकि जंप हम बहुत ही कम मारते हैं, बहुत आलसी होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं पूरे दिन। और अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा, बारिश होने का इंतजार कर रहा हूं, और इनको खाना खिलाया जा रहा हूं, और इनकी पॉपुलेशन यहां पर मैं बढ़ाया जा रहा हूं। ये छोटा वाला देखो भाई, ले सारा तेरे को खिला दूंगा, अभी जितना बैंबू है देखते हैं कितना बैंबू लेता है ग्रो होने में। तो गाइस एक छोटा पांडा ना कम से कम 2.5 स्टैक ले लेता है पूरा ग्रो होने में, ये देखो। अभी फिलहाल एक को मैंने झटके से बड़ा कर दिया, मैं उसे खिलाया जा रहा था, और एकदम सडनली वो पूरा इसी साइज का हो गया झटके से, जैसे भी मैंने इसको खिलाया। फटाफट से यहाँ पर हम लोग और बैंबू लाते हैं, हटो ना इसको खिलाऊंगा बस मैं, क्योंकि अब एक भाई साहब इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक के ऊपर एक टाप के बाहर निकल रहे। देखो ये बड़ा हो गया ना झटके से, तो ऐसे एकदम सडनली झटके से बड़े आता है, बच्चा डूब गया इसको खिलाएंगे, ये अपने आप बड़ा हो गया यहाँ से बाहर आएगा। लो भाई बारिश हो जाए बस, यार बारिश नहीं हो रही है, मेरे को ट्राइडेंट चेक करना है अपना। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, आज इतने पांडा कर दूंगा ना अपने कासल में। तो भी फिलहाल यहाँ पर इसका एक स्टैक कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा स्टैक यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके ये भी सडनली एकदम बड़ा हो गया, और ये तो जमीन के अंदर है भाई भाई भाई, पांडा इस टाइम पर घास में घुस चुका है भाई, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है भाई इनकी। एक सेकंड, वो देखो वो तो भाई फंस गया अंदर, उसको पानी के अंदर रख के ग्रो करा था, उसकी अच्छी बात है हेल्थ नहीं जा रही, वरना इतनी देर में मर जाओ। और तू बाहर कैसे गया भाई, इधर तू अंदर आ, तेरे रैप्ट देता हूँ मैं, बाहर कैसे पूछ के गया ये, एक सेकंड रुको, वैसे पूछ के नहीं गया, झटके से ना बड़ा हुआ, और मतलब कि दूसरा वाला बड़ा हुआ, और ये उसके चक्कर में जंप खा गया। इधर इधर इधर, इसको भी अंदर करना पड़ेगा मेरे को, जल्दी 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 अंदर आ, ओ अंधे अंदर भाई, क्या पागल किस्म का ये यार, कसम से पांडा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है भाई साहब, देख रहे हो को पता है खाना नहीं देगा ये। तो गाइस मैंने ना इन लोग के लिए छोटा सा पूल बनाया था, पूरे सारे के सारे उसी के अंदर भाई डूब रहे हैं, मैं क्या बताऊं। पहले तो यार ये जितने भी बैम्बूज मैंने अंदर लगाए ना, इन सभी को हटा देता हूं,
क्योंकि भाई इनके पास वैसी जगह नहीं है अपने बैठने की, बैम्बू क्या ही उगेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं इन सबको तोड़ता हूँ और यहाँ से ना गाइस अभी मेरे को पहले तो बाहर निकलना होगा। रुक जा तू मेरे पीछे पीछे मत आ, ठीक है, दो मिनट के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं ये स्लैब लगाता हूँ इस तरफ में, रुक जाओ कैसे लगाए। हाँ ठीक है, ये भी तो जम करके नहीं आ जाएगा ना, ये तोड़ देता हूँ अभी मैं टेम्प्रेरी। हाँ तो ये स्लैब ना गाइस इस तरफ लगा देते ताकि हम लोग अंदर जा पाएं, और ये वाला जो है इसको भी तोड़ दे। जितना भी बैम्बू है ना ये सारा मैं बाहर की साइड पर लगाता हूँ। तो भाई साहब वैसे तो मेरे वर्ल्ड में हमेशा बारिश होती रहती है, पर पता नहीं यार आज क्या होगा, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन पांडा के मजे आ गए क्योंकि मेरे पास अभी करने को कुछ काम है नहीं, क्योंकि मैं जब तक वो काम नहीं कर लूंगा ना मेरा अगले काम में मन लगेगा नहीं। मैं सीधा आ रहा हूँ भाई इन पांडा को, ये जो बस ये मतलब बैम्बू है खिलाया जा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो इनकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। भाई प्लीज यार बारिश स्टार्ट हो जा। बैम्बू भी जो था ना वो भी सारा खत्म हो चुका है, इनको खिला खिला के। लो भाई एक पांडा और आ गया, इसको नहीं खिलाऊंगा भाई, बड़े वाले पांडा खिलाते हैं ताकि ये लोग नया पांडा दें। और बाकी ये पांडा कैसे जमीन में फंसे पड़े हैं भाई, प्लीज हो जा बारिश। वैसे क्लाउड्स तो हैं बट इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, झटके से उन्हें लग जाते हैं बारिश। ऐसा नहीं होता पहले क्लाउड है फिर हवा चल रही है फिर मौसम बना फिर बारिश हो रही है, इसमें ऐसा झटके से ही हो जाती है। फिलहाल अभी खाओ यार खाओ, तुम ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम्हें खिला दूंगा मैं भर भर के। ले भाई तू भी खा, खत्म उगेगा तो खिलाऊंगा ना भाई, सारा खत्म कर दिया। और बाकी मैंने ना बाहर लगा दिया ताकि इनके पास अच्छा खासा स्पेस रहे अंदर रहने के लिए। और ये मैंने क्यों ब्लॉक कर रखा है, इसको भी तोड़ देते हैं ना, यहाँ से लोग अपना उतर के नीचे जाएंगे। आयरन पिकैक्स भी गई, 3 2 1, वैसे ये नहीं टूटेगी, मेरे को एक एक्स बना लेनी चाहिए थी। तो ओके गाइस फाइनली पूरे को पूरे 15 मिनट तक एएफके रहने के बाद यहाँ पर बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। सही है मैं गेम नहीं खेल रहा था, वरना मेरा आधा घंटा यूं ही पांडा को खाना खिलाने में चले जाता और इनकी पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग पीछे चलते हैं मॉब ट्रैप जहाँ पर मैंने बनाया था, और अपने हाथ में गाइस मैं ट्राइडेंट ले लेता हूँ। अब बस जल्दी से मुझे क्रीपर ढूंढना है, उसे चार्ज करना है और अपना काम हो जाएगा। वैसे ये सही है, जब कुछ नहीं हो रहा ना एएफके हो जाओ भाई। और वैसे भी एएफके फार्म तो बनते ही इसलिए, बट ये कोई फार्म नहीं था। और यहाँ पर तो गाइस क्रीपर भी है, तो जल्दी से गाइस मैं इस क्रीपर को चार्ज करता हूं। ये इसके ऊपर बिजली गिरी और ये वाला जो क्रीपर है चार्ज हो गया। फिलहाल यहां पर ये जो एक्स्ट्रा मॉब्स है ना मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। तू बेटा तू ज्यादा बदमाश बन रहा है, चार्ज क्रीपर फटाफट से मेरे बाबू इधर आओ। इसको इसके अंदर गाइस अभी मेरे को डालना है। पीछे वाला क्रीपर मेरे को धप्पा ना कर दे भाई, मेरे को डर लग रहा है। जल्दी 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 आ जल्दी आ, कोई नहीं देख रहा, फटाफट लेट्स गो। ये अभी फंस चुका है ट्रैप में, ये स्पाइडर आई है यहां पर, इसे मैं मारता हूं। और अभी ना गाइस बस मुझे दूसरे वाले क्रीपर को बुलाना है, और ये जो चार्ज वाला क्रीपर है ना इसको मुझे ब्लास्ट करना है। फटाफट आ जा इसके अंदर जल्दी जल्दी। ओ ये ब्लास्ट अभी मेरा ट्रैप, ओ हो गया पीछे वाला जो क्रीपर था गाइस मर गया। हो गया काम, बिना अंदर दूसरे ट्रैप में लाए बिना हो गया। ये देखो यहाँ पर गाइस अभी हमें क्रीपर हेड मिल चुका है और अपना एक न्यू अचीवमेंट कंप्लीट हो गया। पता नहीं यार इससे क्या ही हो जाएगा, एक और कर देते हैं लगे यहाँ, ठीक है। बट अभी मेरे को ट्रैप दोबारा से बनाना पड़ेगा, मेरे को पिस्टन वापस मिले या नहीं मैं वो देख लूं। भाई सब वाला क्रीपर तो अभी अपना टाउन ओली 4 डालता बाहर से, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर अभी जो हमें चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है, उसको भी मैं लगा कर देखने वाला हूँ वो कैसे। और उसको देखो वो कबाड़ी विलेजर वहाँ क्या कर रहा है भाई, मर जाए, दोनों के दोनों बाहर घूम रहे हैं भाई। इतनी बढ़िया बढ़िया इनके पास एंचेंटमेंट है और हरकतें देखो उनकी। फिलहाल यहाँ पर पिस्टन नीचे पड़ा हुआ है, एक ट्रैप अपना। ओ नहीं भाई अभी ना गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ने स्केलेटन हेड भी लेकर देखे हैं, हो सकता है भाई स्केलेटन हेड मिल जाए। जिस तरीके से हमने क्रीपर को ब्लास्ट करवाया ना, इस तरीके से हमें स्केलेटन को भी ब्लास्ट करवाना है। इसको देखो भाई एंचेंटमेंट देगी हमें, मतलब कि इफेक्ट देगी हमें। आजा निकल यहाँ से, उसके रख रख के पड़ेगा। आई कहाँ से भी तू? तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता वापस से कासल में आ चुका हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को यहाँ पर एक और हैवी प्रेशर प्लेट बनानी है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग स्केलेटन हेड बना पाते हैं या फिर नहीं, मतलब कि उस तरीके से ले पाते हैं या फिर नहीं। वैसे हैवी प्रेशर प्लेट के लिए कितना आयरन चाहिए, वैसे बन जाएगा, हाँ 2 आयरन ही चाहिए होता है। तो चलो 4 पिस्टन है, 2 आयरन है, शवल है। फटाफट से गाइस पहले हम लोग अपने कासल से बाहर दूर कहीं चलते हैं, फिर उसके बाद ये वाला जो तरीका है टेस्ट करेंगे। रॉकेट्स ये रहे अपने पास, लेट्स गो गाइस, अब आने वाला ना भाई मजा। ये क्रीपर हेड अभी तक मैंने यूज नहीं करा, मिल गया एक बार चेक करेंगे आखिरकार चलता कैसे, मतलब दिखता कैसे, ऐसे कुछ होगा नहीं। बस एक टाइप से ट्रॉफी मिल गया गाइस हमें, एक अचीवमेंट का ट्रॉफी मिल चुका है। हाँ तो ये जगह मेरे सबसे परफेक्ट है, यहाँ पर हमें अपना काम करना चाहिए। 1 नहीं यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ है भाई, पीछे छोटा बच्चा था, मेरे को आवाज़ आ गई थी इसकी, इसलिए मैं तभी वहाँ से तुरंत भागा भाई। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता उस जगह से थोड़ा बहुत दूर आ गया हूँ, तो यहाँ पर अभी हम लोग अपना काम करते हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया, क्रीपर तो नहीं है ना कहीं भाई, डर लगता भाई उनसे कुछ ज़्यादा ही मेरे को, क्योंकि आपने लास्ट स्ट्रीम पर देखा ही होगा क्या हुआ था। लेट्स गो, ये लगा बीच में हैवी प्रेशर प्लेट, अपना एक और ट्रैप बन चुका है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, 1 2 बस अभी अपना काम हो चुका है। इसको हटा देता हूँ। अब बस गाइस हमें एक क्रीपर चाहिए, एक स्केलेटन चाहिए, फिर हमें स्केलेटन हेड भी मिल जाएगा, और उसी तरीके से हमें जो ज़ॉम्बी है ना इसका भी हेड मिल सकता है। अभी फिलहाल कोई भी आ जाए, हमें हेड से मतलब है, बाकी तो यहाँ पर भी मेरे को क्रीपर ही नहीं नजर आ रहा है।
चलो कोई नहीं, वैसे एक आध तो आ ही जाएंगे यहाँ पर, पहले ढूंढ लेता हूँ मैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल सामने की तरफ में क्रीपर स्पॉन हुआ है, थोड़ा बहुत दूर है बट ये बहुत तेज भागते हैं तो मैं इसे भगाता भगाता अपने पीछे ला सकता हूँ। सर 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 जल्दी आओ, ब्लास्ट नहीं होना, ब्लास्ट नहीं होना, ड्रामेबाजी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है ये ले, अब आ मेरे पीछे आराम से। स्केलेटन हेड नहीं लेंगे गाइस, ज़ॉम्बी हेड लेंगे। ठीक है स्केलेटन हेड क्या करना है यार, स्केलेटन विदर का लाएंगे ना सीधा, विदर स्केलेटन का। अभी ये ज़ॉम्बीज भी अपने साथ आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ट्रैप में बताना, तुम पीछे हो जाओ यार, ये ट्रैप में आ जाएंगे। ओ पीछे से स्पाइडर हेड बनता नहीं, वरना तुम्हारा हेड तो मैं बेटा पहले लेता। निकलो यहाँ से अभी यार, ये मेरे हिसाब से मर जाएगा भाई। इनको ज़ॉम्बीज को पहले मुझे मारना पड़ेगा, क्रीपर नहीं मरना चाहिए। दूर 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 दूर, क्रीपर को अंदर डालना। ठीक है क्रीपर अंदर आ गया, गेम अपने हाथ में। ओ ओ ओ वो देखो भाई ज़ॉम्बी फंस गया वहाँ पे, रुक जाओ इसको निकालना पड़ेगा पहले। निकल भाई तू बाहर निकल, तेरी जरूरत नहीं है। क्रीपर फुल स्पीड में भागता भागता मेरे पीछे आना चाह रहा है। यहाँ से गाइस मैंने थोड़ी सी डर्ट ले लिया है और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकल गया। लेट्स गो, जल्दी 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 जल्दी, यहाँ पर अभी हमें एक ब्लॉक लगाना है इसके ऊपर। ओ, ओ इसके नीचे नहीं, ओ मैं अभी मरता भाई भाई भाई, मरा 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 भागो। तो भी गाइस इसको ना ट्रैप में डालने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, ये अगर नॉर्मली भी ब्लास्ट होगा तो हमें ज़ॉम्बी हेड मिल जाएगा भाई। मैं इतनी देर से क्या ड्रामेबाजी कर रहा था, ये देखो ट्रैप की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई। ट्रैप की जरूरत तब है जब हमें अपनी एचपी फुल बचानी हो। तो अभी हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी हेड भी मिल चुका है, अब भाई इसी तरीके से हम लोग एक स्केलेटन हेड भी लेते हैं भाई, अब आएगा ना मजा। तो गाइस वैसे ना ये काम सच्ची में बहुत ज्यादा ईजी है, हमें किसी भी ट्रैप की जरूरत नहीं है। हमें मैं पहले सोच रहा था कि जो चार्ज क्रीपर है ना वो मतलब एकदम एक जगह पर स्टिल होना चाहिए, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे पास बस एक चार्ज क्रीपर होना चाहिए, उसको बस ले जाकर किसी भी क्रीपर ज़ॉम्बी या फिर स्केलेटन के बगल में ब्लास्ट कर दो, हमें उनका हेड मिल जाता है। एक और ढूंढते हैं, फिर इन तीनों के हेड ले जाकर मैं लगाने वाला हूँ अपने कासल में भाई, बहुत सारे बना लूंगा मैं तो, मजा आएगा भाई। ट्राइडेंट भी अपने पास है। ओके यार क्रीपर ही नहीं है, इस जगह से थोड़ा सा दूर चलते हैं, क्या पता हमें वहां पर क्रीपर नजर आ जाए। ओके यहाँ पर तो काफी सारे क्रीपर हैं, अब तो दो दो तीन तीन हमें मिलने वाले। ले बेटा क्रीपर, ओ तेरी भाई 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 भाई, बहुत गंदी तरह इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बिजली गिरवाई है। जल्दी से आओ स्केलेटन के पास, तू भी जितने भी अभी ब्लास्ट हो, ब्लास्ट हो, ब्लास्ट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ब्लास्ट हो जा, हो जा हो जा हो जा, बहुत सही ब्लास्ट हो, दोनों 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 ब्लास्ट हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोनों। ओके यहाँ पर काफी सारे, ओ भाई यहाँ पर क्रीपर का भी अपने पास होना चाहिए। उत्तरी एचपी भाई भाई भाई, अभी स्केलेटन भी अगर हमें एक मार देगा मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। रुक जाओ भाई, फूड के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, गंदा रॉटन फ्लैश है ये खाते हैं। स्केलेटन आ रहा सामने से मेरे को ले जाएगा वो, रुक जाओ भाई, अपनी वेस्ट नहीं है क्या? अच्छा मैंने इलाइट्रा हटा रखा था, मतलब इलाइट्रा पहन रखा था ना, इसलिए ऐसा सीन हुआ। फिलहाल अभी बारिश भी खत्म हो चुकी है, जो जो हमें मिलना था वो मिल चुका है, अब बस हमें यहाँ से भागना है। ये उठा लेता हूँ, मेरे को लग रहा था कि इस बार हमें, अच्छा दोनों चार्ज क्रीपर थे ना गाइस, मतलब दो क्रीपर भी थे, मुझे लग रहा था कि एक क्रीपर का भी हमें मिल जाएगा और एक स्केलेटन का मिल जाएगा, बट सीन कुछ ऐसा था कि दोनों के दोनों क्रीपर चार्ज क्रीपर थे, तो जो दूसरा बंदा है वो नॉर्मल वाला होना चाहिए। बट जो भी है मज़ा आ गया भाई, तीनों के तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसे मिलेंगे, बट फिर मैंने वही सोचा कि अगर इस तरीके से क्रीपर का मिल रहा है तो इन दोनों के भी मिल जाएंगे अगर होते हैं तो। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता वापस से अपनी कासल में आ चुका हूँ। एक काम करते हैं, जो स्कल है ना गाइस इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं, ये क्रीपर का लग गया। ओ भाई 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 वैसी हेल्थ कम है, अच्छा अच्छा वो छोटा वाला था भाई, डरा दिया उसने तो। ओ भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, देखो ये छोटा सा ज़ॉम्बी, ऊपर एक क्रीपर का मुँह, यहाँ पर स्केलेटन का मुँह, इनसे कुछ होने नहीं वाला, बट बहुत ज़्यादा सही है। हम लोग एक विदर का भी यहाँ पर लाकर लगा देंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा भाई, मजा आ गया। एक और मिल जाता ना तो चार हो जाते, चारों के चारों गोल्ड ब्लॉक कवर हो जाते। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना भाई, आज सच्ची में बहुत ज़्यादा मजा आया। सॉर्टिंग सिस्टम बनाया, बड़ा सा होल बनाया, उसके बाद क्रीपर स्केलेटन और ज़ॉम्बी का स्कल कलेक्ट करा भाई, खतरनाक। बाकी आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये जो स्टार लेकर आया बीकन तो बना ले, तो हम दो के दो क्या सीधा चारों बीकन एक साथ बनाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतने, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जगह लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 6 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पर नहीं हो चाहो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।